विद्यान पाठशाला, विद्यान पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 की जो कक्षा 6 की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, इसी को क्या है संबंधित हमने क्या है एक सीरीज चला रखी है जिसमें क्या है मैथ और क्या है साथ में हिंदी लेके आते हैं। ठीक है ना, क्या है और कुछ दिन में क्या है आकृति भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या है प्रत्येक का क्या है रिविजन आपको यहाँ से होता रहेगा। ठीक है ना, प्रत्येक सब्जेक्ट का। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए क्या है हमने ये सीरीज चला रखी है। आप किसी भी सोर्स से किसी भी तरीके से कैसे भी किसी भी बुक से क्या कैसे भी तैयारी कर हो, ठीक है ना। तो और आप क्या है डेली रिवीजन नहीं कर रहे हो सवालों को, तो क्या है आपको क्या है सवाल क्या है भूलोगे आप। ठीक है ना, और दिक्कत आने वाली है। तो इसी से क्या है हम ही सभी हम क्या है इसमें सभी चैप्टरों से क्या है लेकर सवाल आते हैं, जैसे क्या है आप सवालों को पीछे वाले सवालों को ना भूलें। जैसे आप क्या है कोई चैप्टर पूरा कर लिया आपने एक, ठीक है ना, उसके बाद आपने दूसरा चैप्टर किया, तीसरा किया, तो क्या है पहला वाला चैप्टर वो भूल जाते हो। ठीक है ना, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या है ये सीरीज चला रखी है, ये सीरीज चला रखी है जिसमें क्या है आप सवालों को क्या है पीछे वाले सवालों को भूलोगे नहीं, उनका क्या है रिवीजन लगातार होता रहेगा, तो आसानी से क्या है जो सवाल है वो पेपर में कर ले जाओगे। ठीक है ना, तो इसलिए क्या है हमने ये सीरीज चला रखी है। तो इसका हमने क्या है पीछे अब तक क्या है 8 वीडियो अपलोड कर दी है। यदि आपने नहीं देखी हो तो क्या है चैनल पेज पे जाके देख सकती हैं। ठीक है ना, तो आज हमारा क्या है नवा पार्ट दे रखा है, नवा पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो देखो ये सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है मैंने, एक बस दिल्ली से देहरादून के लिए 10:15 प्रातः चली, यात्रा पूरी करने में उसे 6:30 लगे, बस देहरादून कितने बजे पहुंचेगी। क्वेश्चन का कहने का मतलब समझो, एक क्वेश्चन जरूर आएगा इस तरीके से टाइमिंग वाला आपका नवोदय के विद्यालय में। ठीक है ना, जो नवोदय का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें क्या है एक क्वेश्चन पक्का आएगा इस तरीके का। ठीक है ना, तो देखो इसका कहने का मतलब है जो वो बस है वो देहरादून से कितने बजे चली है, 10:15 पर चली है। कितने पर चली है, 10:15 पर। अब उसे पहुँचने में कहाँ पहुँचने में देहरादून पहुंचने में सॉरी दिल्ली से चलिए देहरादून पहुंचने में उसे 6:30 लगे हैं। तो हम 10:15 में क्या कर देंगे 6:30 क्या कर देंगे जोड़ देंगे, कितना कर देंगे जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं, देखो 5 और 0 5 ही रहेगा, इधर लिख देता हूं मैं, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अरे एक सेकेंड, हाँ 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे तो उसे क्या है वो 16:45 पर, कितने 16:45। तो हमारी क्या है रेलवे वाली घड़ी तो है नहीं, रेलवे वाली घड़ी में क्या है 16:45 बजते हैं। ठीक है ना, यदि इस तरीके का नॉर्मल टाइम देखोगे तो 12 में जोड़ के देख लो, 12 और 4 16। ठीक है ना, यानी 12 और 4 16 यानी 4:45 टाइम हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4:45 का क्या है टाइम हो जाएगा, लेकिन इसमें प्रातः की बात चल रही है और वो पहुँचेगा शाम को यानी क्या है 4:45 बजे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, हमारा सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 4:45 बजे क्या है वो शाम को पहुंच जाएगी। ठीक है ना, तो ऐसे ही करना है आपको क्वेश्चनों को इनको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है मैंने, एक बर्तन 2/3 भरा हुआ है, कोई बर्तन है वो क्या है 2/3 मतलब क्या है 2/3 भाग उसका भरा हुआ है, यदि इस बर्तन को पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी और चाहिए। इस बर्तन को क्या है पूरा भरना हो हमारे, तो कितना पानी की ज़रूरत है 50 लीटर पानी की क्या है और ज़रूरत है, तो बर्तन की क्षमता क्या होगी। यानी बर्तन की देखो कई शब्द कोई सभी शब्द देख सकता है वो, इस तरीके से दे सकता है कि बर्तन की क्षमता क्या होगी या बर्तन की धारिता क्या होगी या बर्तन को पूरा भरने में कितना पानी आएगा, कैसे भी दे सकता है वो। ठीक है ना, इन शब्दों का क्या ध्यान रखना है। तो देखो हमने मान लिया कि वो बर्तन है, उस बर्तन में 1 लीटर पानी आता है, कितना आता है 1 लीटर पानी आता है। अब वो बोला उसका 2/3 भरा हुआ है, यानी क्या है इसका 2/3 भरा हुआ है। ठीक है ना, जब 2/3 भरा हुआ है उसका तो खाली कितना है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे क्या है खाली कितना रह गया। तो देखो ऐसे इन सवालों को कैसे करती हैं, इसका कहने का मतलब है कि 2/3 क्या हुआ है क्या है भरा हुआ है, जब 2/3 मतलब क्या है 2/3 का मतलब 2/3 भाग क्या है ये भरा हुआ है, 3 में से ये 2 माइनस कर देंगे हम, 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1 और 2/3 में जो है वो ही लिख देंगे, तो ये निकल जो शेष भाग है वो निकल आएगा हमारा। ठीक है ना, शेष भाग क्या है निकल आएगा, तो 1/3 क्या है हमारा खाली पार्ट है, अभी जो हमारा बर्तन है उसका 1/3 भाग क्या है खाली है। तो हमने क्या माना था टोटल उसमें पानी आता है 1 लीटर, एक्स का 1/3 भाग क्या है खाली है। ठीक है ना, और भरने में क्या है ये तो हमने क्या है भरने में इस तरीके से निकाले, और इधर कितना दे रखा है मैंने 50 लीटर पानी और चाहिए, तो ये भी क्या है दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब 3 की 50 में 3/3 गुणा कर दोगे तो x बराबर 3 से करोगे तो 50 3 150 यानी कि
50, यानी कि उस टैंक में यानी उस बर्तन में जो पानी आएगा वो कितना आएगा, 150 लीटर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर समझ में ना आए तो एक बार और बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, जो भी मतलब क्या है पार्ट भरा हुआ है वो कितना है, 2/3 में। तो हम देखते हैं कि खाली कितना है, तो खाली देखने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि हर में से अंश घटा देते हैं। तो हर में से अंश यानी 3 में से 2 घटाओ कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। और हर जितना है उतना ही लिख देती हैं, तो 1/3 भाग क्या है हमारा, खाली है उसमें। हमने टोटल माला है उसमें x लीटर पानी आता है, तो x का 1/3 भाग खाली है बराबर में कितना, 50 लीटर आ सकता है उसमें। अब 3 की क्या है, 50 में त्रिचिगुणा कर दोगे तो 50 × 3 = 150, यानी क्या है उसमें 150 लीटर क्या है पानी आता है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 150 लीटर क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि क्या है चक्षु प्रकाशन की है, जिसमें आपको मिल जाएंगे 2500 बहुविकल्प प्रश्न, 6 प्रैक्टिस सेट पेपर, 9 सॉल्व पेपर, और साथ ही आपको इसमें मिल जाएंगे 2014 से 2021 तक के सभी सॉल्व पेपर। ये जो बुक है बेहतर मटेरियल और अच्छे कंटेंट के साथ तैयार की गई बुक है, जिसको क्या है अभी आप परचेज कर सकते हैं। और इनका जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। तो जाएं और अभी खरीदें, दोनों का लिंक वीडियो के नीचे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मैंने, तीसरा क्वेश्चन, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर क्या होगा, ठीक है ना। हमें इनका क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। हमने जो सवाल लेते हैं हम आपके सिलेबस के अनुसार लेते हैं। हमने पहले क्या है आपका सिलेबस का क्या है बहुत अच्छे तरीके से क्या है अध्ययन कर लिया, उसके बाद में क्या हम सिलेबस के अनुसार कोई इधर उधर का क्या क्वेश्चन नहीं उठाते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये बोल रहा है बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर बताना है हमारे लिए। तो देखो बड़ी से बड़ी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ी से बड़ी ले लो। बड़ी से बड़ी बनाने के लिए हम क्या है, इतनी बार क्या है जितने अंकों की पूछता है उतनी बार हम 99 यानी 9 लिख देते हैं। तो देखो बोला है बड़ी से बड़ी 7 अंकों की, तो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी बनाने के लिए क्या है, 7 बार क्या है 9 लिख देंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5 इधर लिख देते हैं 6 और ये 7, ठीक है ना। तो ये हमने क्या कर लिए, 7 बार क्या है 9 लिख लिए, ये क्या है बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या बन गई। अब फिर घर वाला छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या, छोटी से छोटी के लिए नहीं 8, तो छोटी छोटी बनाने के लिए हम 0 लगाते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है ना, ये बन गई। अब इसमें से क्या है इसे माइनस कर दो, नीचे वाली में से माइनस करना है। देखो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख दस लाख, यानी ये 99 लाख बना हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख दस लाख करोड़, ये 1 करोड़ बना हुआ है। नीचे वाला नंबर हमारा 1 करोड़ और ऊपर वाला नंबर कितना है हमारा 99 लाख है। तो इसमें क्या है नीचे वाला बड़ा है ना, तो बड़े नंबर में से ही तो घटाते हैं हम, तो नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाला नंबर घटाएंगे। तो देखो ये क्या है 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, मैं नीचे जगह नहीं है इसलिए क्या है मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है नीचे तो ऊपर लिख रहा हूँ, लेकिन नीचे वाले घटा भी क्या है मैं कौन से नंबर में से रहा हूँ, नीचे वाले नंबर में से घटा रहा हूँ ऊपर वाला नंबर, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ऊपर ये लिख लिया था ये नीचे लिख दिया था इसलिए, ठीक है ना। तो 10 में से 9 माइनस करो कितना बचेगा 1, यहाँ पर कितना बचा 9, 9 में से 9 माइनस करो कितना बचेगा 0, यहाँ पर भी 9, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, और यहाँ पर भी 9 में से 9 0, और यहाँ पर भी 9 में से 9 0। तो टोटल मिला के कितना आया 1 आया, कितना आया 1 आया, ठीक है ना। इनका जो अंतर आया वो कितना आया 1 आया। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, वी क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1 क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें बताना है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसका जो आंसर है राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देखना है कि इसका राइट आंसर कौन सा है, ठीक है ना। आप जैसे क्या है प्रत्येक मतलब क्या है क्वेश्चन का जो होमवर्क में देता हूँ, प्रत्येक क्वेश्चन एक क्वेश्चन जरूर देता हूँ होमवर्क में, और आप क्या है आंसर उसका बहुत अच्छे तरीके से देते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है ना, वेरी वेरी। और अब देखो इसमें क्या है इसी तरीके से क्या है आज भी क्या है इसका होमवर्क का जो आंसर है वो आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है ना। देखो आपने देखा होगा इस चैनल पर क्या है विद्यागन स्कूल की भी क्या तैयारी कराई जा रही है, उसमें देखना आप कितने लोग कमेंट भर भर के कमेंट करते हैं, उसमें क्या है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते हैं। इसी तरीके से क्या है आप भी क्या है उसके आंसर जरूर दिया करें, ठीक है ना, जरूर दिया करें। और साथ में क्या है जैसे लाइक कर क्या पसंद आ रहा है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और साथ में क्या अपने दोस्तों को भी क्या शेयर कर दिया करें, ठीक है, जो भी आपके क्या जो दोस्त
मतलब भाई वगैरह दोस्त वगैरह हैं उनके लिए भी क्या करते हैं, वीडियो के लिए शेयर कर दिया करें, देखो हम यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, उन्हें दिखा दिया करें उनके व्हाट्सअप पे या फेसबुक पे, ठीक, पेज पर उन पर शेयर कर दिया करें, ठीक है ना, उन्हें बता दिया करें देखो हम इस जगह से तैयार कर रहे हैं, कितनी अच्छी हमारे लिए क्या पढ़ाई चल रही है, हमारा रिविजन चल रहा है, ठीक है ना, कैसे भी किसी भी सोर्स से किसी भी बुक से तैयार कर रहे हो, लेकिन क्या है रिविजन यहाँ से करो तो हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि रिविजन ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। तो देखो इसमें आपको बताना है कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, ठीक है ना, क्या 7122 बड़ा है, क्या 7211 सबसे बड़ा है, ठीक है ना, बड़ा देखना है ना, हाँ, क्या 7223 या 7221, इसमें क्या है सबसे बड़ा नंबर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बोला है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का स्थान क्या होगा, ठीक है ना। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो देखो अभाज्य संख्या का मतलब होता है वह छोटी, मतलब क्या अभाज्य संख्या का मतलब होता है यानी कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से ना विभाजित हो या ना कटे या ना डिवाइड हो, तो वो संख्या क्या कहलाती है, हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है वो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या ध्यान रखना दो होती है, सबसे छोटी क्या होती है दो। तो प्रथम 10 अभाज्य लेनी है हमारे लिए, तो देखो पहली अभाज्य कितनी हो जाएगी दो हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी तीन हो जाएगी, फिर क्या है तीसरी क्या हो जाएगी हमारी पाँच हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी सात, फिर उसके बाद क्या नौ नहीं होगी क्योंकि नौ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में चल रहा है हाँ नौ होगी, नौ नहीं होगी, ठीक है ना, और ये भी ध्यान रखना सबसे छोटी एक भी नहीं होगी, सबसे छोटी दो होगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सात हो जाएगी, सात के बाद क्या आएगी हमारी ग्यारह, सात के बाद क्या आ जाएगी ग्यारह, तो ये हो गई हमारी दो तीन पाँच सात और ग्यारह, ये हमारी क्या होगी पांच प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं हो गई। अब वो बोल रहा है इसमें इकाई का क्या है, इनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। तो इनका कहने क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि इनकी सभी की गुणा करो, इनकी सभी की क्या करो गुणा करो, और जब गुणा करके जो आंसर आए उसमें बताना है कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आया, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना है आपको सभी नंबरों की गुणा नहीं करनी है, केवल इकाई के नंबरों की क्या है गुणा करते हुए जाना है। तो देखो एक की क्या है सात से गुणा करोगे सात एकम सात आया, अब सात की पाँच में गुणा करोगे सात पंजे पैंतीस आया, अब पैंतीस की तीन में गुणा नहीं करनी है केवल इकाई के अंक की गुणा करनी है, तो पाँच की तीन में गुणा करो कितना आया पंद्रह आया, ठीक है। अब पंद्रह की दो में नहीं करो पाँच की दो से कर दो, पाँच दूनी दस आया, तो इकाई का अंक लास्ट में क्या बना हमारा जीरो बना, क्या बना जीरो बना। और हमेशा ध्यान रखना, चलो इसका तो इकाई का अंक जीरो बन गया, ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा मैं अभी बताता हूँ क्या कह रहा था मैं, ये जीरो आ गया, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना कि यदि किसी मैं क्या है इकाई का अंक पूछे, किसी सीरीज में वो इकाई का अंक पूछे और उसमें दो दे रखा हो और पाँच दे रखा हो, यदि दो और पाँच अंक आ जाए उसमें तो हमेशा ध्यान रखना उसका जो इकाई का अंक बनेगा वो जीरो ही बनेगा। तो देखो एक दो भी आया था इस सीरीज में, एक क्या आया था पाँच भी आया था, ठीक है ना, तो कोई गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको क्या है दो और पाँच मिल जाए तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या है जीरो ही बनता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है 64 और 225 के बीच माध्य अनुपाती संख्या क्या होगी। तो देखो माध्य अनुपाती ज्ञात करना है, मान लें माध्य अनुपाती का जो फॉर्मूला होता है, माध्य अनुपाती का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूढ़ में ए बी, रूढ़ में क्या होता है ए बी, ठीक है। अब ए तो हमारा पहला वाला नंबर हो जाएगा 64 और बी हमारा दूसरा वाला नंबर हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा और ए हमारा ये हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे मान कोई से लो पहला मतलब क्या बी मान लो दूसरा, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, लेकिन क्या है पहला नंबर ए मानोगे दूसरा नंबर बी मानोगे। अब इसमें लगा दो यहाँ पे रूट में 64 गुणा 625, ठीक है ये लगा दिया। अब इसमें से वर्गमूल में से निकालते हैं, तो वर्गमूल तो निकालना आता ही होगा आपके लिए, 64 का जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। वर्गमूल का मतलब ये होता है कि सेम दो नंबरों की गुणा क्या है वो बन जाए तो क्या उसका वर्गमूल हो जाता है। तो देखो 8 और 8 की गुणा करोगे 64, तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8। ऐसे ही 25 और 25 की गुणा करोगे तो क्या है 625, यानी क्या है 625 का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। अब 25 और 8 की गुणा करोगे तो 25 अट्ठे कितना आ जाएगा 200, 200 क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा 200। इसमें ऑप्शन आगे पीछे दे रखे हैं क्या, एक सेकेंड, 64-25 की माध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। हाँ तो इसमें क्या है ऐसा कोई ऑप्शन क्या है गड़बड़ हो गया, तीसरा ऑप्शन, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 200, ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 200, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है अगला क्वेश्चन 24 घंटों में कितने सेकंड होते हैं, 24 घंटे में हमें बताना है कितने सेकंड होते हैं। तो 24 घंटे के लिए हमें सेकंड बनाना है, तो एक घंटे में कितने मिनट 60 मिनट,
तो 60 से यदि हम इसे गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये मिनट में। फिर बनाना किस में, हमें सेकंड बनाना है। सेकंड बनाने के लिए क्या है, 60 से और गुणा करोगे इसके लिए, तो ये कर दिया। अब इनकी सभी की गुणा कर लो तो हमें पता चल जाएगा इसके कितने सेकंड होंगे, ठीक है ना। तो 24 घंटे में हम सेकंड बना देंगे, तो करते हैं। तो देखो सबसे पहले ये 2 0 तो लिख ही लो, इनकी 60 60 की नहीं, इनकी लिख लो। फिर आया इनकी करोगे 6 6 36, 6 6 36 और 36 की गुणा 24 से कर दो। 36 की गुणा किससे कर दो, 24 से करते हैं। 4 6 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12, 12 और 2 14, 200 करो, 2 6 12 और 2 3 6 और 1 7 जोड़ लो इनके लिए, 4 4 और 2 6 7 और 1 8, यानी ये आ गया 21,25,000, 10,000, यानी 86,400। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 86,400। एक सेकेंड, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 86,400 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, टाइपिंग टाइप जो जिसने टाइप किया है उसने क्या है, कुछ जो ऑप्शन है वो आगे पीछे कर दिए हैं, ठीक है ना। दे रखा ये है, क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन दे रखा है, मतलब 86,400 क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। या अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है, मतलब आठवां क्वेश्चन। आठवें क्वेश्चन में कह रहा है वो, किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज मिलता है वो 540 रुपये मिलता है, तो धन पूछ रहा है ये धन कितना था, ठीक है ना। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्या है, मूलधन निकालने के लिए हम क्या फार्मूला यूज करते हैं, फार्मूला यूज क्या करते हैं, वो ये करते हैं, ये पता होना चाहिए। अब देखो कितने चैप्टरों का रिवीजन हो गया, सभी चैप्टरों का रिवीजन हो गया ना, हो गया इसमें, आपको ऐसे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है ना। सभी फार्मूले आपके रिवाइज हो गए, बस जरा सी देर में हो जाते हैं और, ठीक है ना। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर और गुणा समय, कितना दे रखा है, समय, ठीक है ना। देखो बटे में 100, ये रहता है हमारा सूत्र। देखो और एक बात और बता दूं आपके लिए, यदि आप क्या है चैप्टर वाइज रिवीजन करना चाहते हो, चैप्टर वाइज रिवीजन करना चाहते हो, ठीक है ना। तो चैप्टर वाइज रिवीजन करने के लिए क्या है, हमने एक सीरीज चला रखी है विद्या ज्ञान के लिए, उसमें क्या हम चैप्टर वाइज रिवीजन करा रहे हैं, चैप्टर के अनुसार क्या है सवाल करा रहे हैं, उसी में क्या है सभी फार्मूला और क्या चैप्टर के बारे में बताते हैं। तो आप क्या है चैनल पेज पर जाके क्या है उसे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कहीं से भी कहीं जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो देखो सॉल्व करते हैं, एक है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ब्याज की जगह कितना दे रखा है हमारे लिए, ब्याज की तरह जगह दे रखा है हमें 540। चलो दोबारा से लिखते हैं, यहाँ पर आ नहीं पाएगा। हाँ, ब्याज की जगह कितना दे रखा है, 540 बराबर मूलधन, मूलधन यानी क्या है पी, पी हमें ज्ञात करना है, दर गुणा में क्या था, दर दर कितनी दे रखी है 5, ठीक है। फिर गुणा में समय, समय कितना दे रखा है 3, और बटे में क्या रहता है हमारा 100, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो देखो सॉल्व करोगे 5 से काट दो, इसके लिए 5 2 10, 2 आया 20 आया, 3 से इसे काट दो, 3 1 3 और 3 8 24 और ये 0, ठीक है ना। तो यहाँ तो बचा 180 और यहाँ बचा 20, इनकी तिरछी गुणा हो जाएगी, ठीक है ना। तिरछी गुणा करोगे तो 18 2 36, 18 2 36 और 1 0 ये और 1 0 ये, कितना हो जाएगा 3600, कितना हो जाएगा 3600। यानी कि जो मूलधन था उसका, जो मूलधन था वो मूलधन कितना बना उसका, 3600, 3600 क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्या है, आपको क्या है क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, हाँ सर हमारे समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना। और बढ़िया लग रहे हैं तो चैनल को लाइक और क्या है शेयर कर दें, अपने क्या है फ्रेंड्स में भी क्या है शेयर, दोस्तों में क्या है शेयर कर दिया करें, ठीक है। और यदि पसंद नहीं आ रहे तो लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको कोई बिल्कुल क्या है कोई आपको क्या आवश्यकता नहीं है। यदि पसंद आ रहे हैं तो इतनी रिक्वेस्ट है, आप क्या है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, जिससे क्या है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।